चलिए फोटो मैं शेयर करता हूँ आपकी स्क्रीन पर और हम क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। अभी जो आज हमें डिस्कस करना है दिस विच इज ऑन योर स्क्रीन, ये हमें डिस्कस करना है अभी। और पहले आप सभी बताइए कि जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था क्या आप सबको क्लियर हुआ? आपने उसको पढ़ा, अपनी कॉपी में नोट डाउन किया? क्या कह रहे हो बेटा? अच्छा, कोई बात नहीं, वो मैं इसलिए भेजता रहता हूँ पीडीएफ कि उसमें क्या होता है कि फिर आप उसको इजीली देख सकते हो आज नहीं तो कल, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चों के पास पीडीएफ नहीं पहुंच पाता है, ठीक है, नेट की प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए वो मैं आपको सेंड कर देता हूँ एडवांस में ही, जो मैं डिस्कस करने वाला होता हूँ एक दिन पहले ही, ठीक है। चलिए खैर, अभी ये बताइए आप सब घर पे पढ़ रहे हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम? बेटा एक तो क्लास में जो ऑनलाइन क्लास में बच्चे आ रहे हैं उनकी स्ट्रेंथ इनसफिशियंट है, क्लास की स्ट्रेंथ और ऑनलाइन क्लास की स्ट्रेंथ में बिग डिफरेंस है, यहाँ बच्चे नहीं आ रहे हैं ऑनलाइन। एक तो आप से जो भी फोन में बात करता है बच्चा, जो भी पूछता है कि आज क्या हुआ, सर ने क्या कराया, उसको आप ये बात जरूर कहें कि ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करें, ठीक है, ये आपके फायदे के लिए चलाई जा रही है। आप कुछ पढ़ेंगे, नॉलेज लेंगे, तभी तो आप नेक्स्ट क्लास में अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे, और यदि आप अपना प्रेजेंट खराब कर लोगे तो फिर फ्यूचर तो ऑटोमेटिक खराब हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ऑनलाइन क्लास किसी भी सब्जेक्ट की हो उसको आप सीरियसली लें, और अपने घर वालों से कहें, अपने फादर से कहें कि आप मुझे डिस्टर्ब ना करें, मेरे लिए आप एक सफिशियंट डाटा जो है वो करवाएं जिससे कि मैं टाइम पर अपनी स्टडी कर सकूं। चलिए अभी हम शुरुआत करते हैं फटाफट। तो ध्यान से देखिए आपकी स्क्रीन पर जो पेज है, इस पेज को मैं डिस्कस करता हूँ। अभी क्या हुआ है मैं आपको बता दूं, जो टीचमेट में हमने पढ़ाया था आपको, उसकी जो वीडियो थी वो मैंने आज शेयर भी की। बच्चा ऑनलाइन नहीं कर पा रहा है तो मैंने उसकी जो वीडियो है उस दिन की वो मैंने आपके जो ग्रुप है उसमें डाली हुई है, आप जा करके वहां पे भी आज देख सकते हैं। चलिए मैं अभी शुरू करता हूँ, फटाफट देखिए आप यहाँ पे, सबसे ऊपर देखिए आप, सबसे ऊपर एक हेडिंग डली हुई है पेज पर, हेडिंग है पैटर्न इन स्क्वायर नंबर, ठीक है, पैटर्न इन स्क्वायर नंबर। ध्यान से देखिए, एक तो बेटा आप सभी चुप हो जाएं, आपकी आवाज आ रही है, आप सब मेरी बात को सुनते रहे ध्यान से, बीच में कोई डिस्टर्ब ना करे, अपने रूम में आप अकेले बैठे हैं। चलिए अब देखिए आप ध्यान से, जो आपके पास में पेज में शेयर किया है स्क्रीन पे, इस पे फर्स्ट हेडिंग डली हुई है पैटर्न इन स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर में आप पैटर्न कैसे ढूंढेंगे, ठीक है, अब सुनो, ये पैटर्न ये बता रहा है कि जब आप को ऐड करते हैं, मींस 1 + 3 + 5, अभी आपने ये 3 ओड नंबर ऐड किए तो इनका जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 3 का स्क्वायर, इट मींस 9। हमने इनको सीधे ऐड नहीं करना है कि 1 + 3 4, 4 + 5 9, वैसे भी आंसर 9 आ रहा है, और लास्ट में यदि आप देखें तो वैसे भी आंसर इसका 9 आ चुका है। क्लियर, चलिए मैं और एग्जाम्पल लेता हूं, हमें सिर्फ ये काउंट करना है कि हमने कितने ओड इंटीजर, कितने ओड नेचुरल नंबर ऐड किए। मान लो थोड़ी देर के लिए आप ऐड करते हैं
वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन। आपने ये चार ओड नंबर ऐड किए हैं, पहला वन है, दूसरा थ्री है, तीसरा फाइव है और लास्ट में फोर्थ ओड नंबर सेवन है। अब इनको सीधे ऐड नहीं करना है, सीधे ऐड करेंगे तो क्या मिल रहा है आपको, आपको 16 मिल रहा है। तो वही 16 आपको मिलेगा दूसरे तरीके से। वो तरीका क्या होता है, वो मेथड क्या है, आप जितने भी ओड नंबर को ऐड कर रहे हो इनको काउंट कर लो कि ये आपने कितने ओड नंबर ऐड किए हैं। अभी ये आपने चार ऐड किए हैं, दीज आर फोर ओड नंबर, तो इक्वल्स टू में आ जाएगा फोर का स्क्वायर, इट मीन्स 4 × 4 रिजल्ट इज 16। ऐसे हम इन क्वेश्चन को करते हैं। मान लो आप में से कोई बच्चा कहता है कि सर मैं तो केवल दो ही नंबर ऐड करना चाह रहा हूँ, वन और थ्री। तो कोई बात नहीं, वो ऐड कर सकता है। तो जब आप वन प्लस थ्री करोगे, वन अपने आप में ओड नंबर है, थ्री अपने आप में ओड नंबर है, ये रूल फॉलो होता है केवल ओड नंबर पे ही, ठीक है। कभी आप इसको इवन पे फॉलो कर दें, 2, 4, 6, 8, 10 पे, ऐसा नहीं है। तो जब आप दो ओड नंबर वन और थ्री को ऐड कर रहे हैं तो हम लिखेंगे स्क्वायर ऑफ टू। समझ में आया कुछ, हम लिखेंगे स्क्वायर ऑफ टू, इट मीन्स रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा फोर। और फोर वही आ रहा है थ्री और वन को ऐड करने के बाद भी। जब थ्री और वन को आप ऐड कर देंगे तो तब भी आपको फोर ही मिल रहा है रिजल्ट। चलिए ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गई, आपने समझ लिया है, अब आगे चलते हैं। देखो आपको मैं आपके बुक के जो पेजेस हैं उन सब के अंदर लिखी हुई बात आपके लिए ढूंढ ढूंढ के ला रहा हूँ, बता रहा हूँ। ऐसे ही आपको मैथ्स पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं कि केवल आप सीधे जा करके एकदम से एक्सरसाइज पे चले जाएंगे, दैट इज नॉट अ राइट वे। सबसे पहले आप उस चैप्टर में अंदर क्या क्या थ्योरी दी हुई है, क्या क्या बातें लिखी हुई हैं, कौन से रूल समझा रहे हैं, उन सब रूल को पढ़ें, समझें, करें, उसके बाद आप एक्सरसाइज पे जाया करें, तब जा करके आपसे एक्सरसाइज हो पाएगी। यदि आपको मैं ये सब नहीं बताऊंगा तो आप एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है कुछ, इसीलिए मैथ्स पढ़ने का जो स्टाइल है वो थोड़ा सा अलग होता है। जब चैप्टर शुरू होता है तो उसको आप स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक उसकी एक एक स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें। स्पेशली आप उनको जरूर पढ़ें जो आपको अलग से ब्रैकेट में मिलती हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है, उसके बाद ये बात लिखी हुई है, उसके बाद में ये बात लिखी हुई है, फिर इधर ये बात लिखी हुई है। तो जो इस तरह से ब्रैकेट में लिखी हुई बातें होती हैं उनको आप जरूर पढ़ें, क्योंकि ये बातें बहुत जरूरी होती हैं, इम्पोर्टेंट होती हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उस एग्जाम्पल को देख लीजिए आप फटाफट। एग्जाम्पल दिया है मुझे, इज 39 अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। वो हमसे जानना चाह रहे हैं कि भाई क्या 39 अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये आप चेक करके बताइए कि 39 अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या फिर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 39 में से लगातार जो ओड नंबर होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, इन सब को हम माइनस करते हुए चलेंगे, और जितनी बार माइनस करने के बाद हमें 0 मिल जाएगा तभी हम रुक जाएंगे और बोल देंगे कि यस इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ऐसे करना होता है। तो चलिए सबसे पहले क्या हुआ, ध्यान से देखिए, 39 में से 1 माइनस किया गया, हमें क्या मिला, फिर 38, फिर 38 में से 3 माइनस हुआ, फिर क्या मिला, 35, फिर 35 में से 5
माइनस हुआ, फिर क्या मिला हमें 30, उसके बाद 30 में से 7 माइनस हुआ हमें क्या मिला 23, फिर 23 में से 9 माइनस हुआ हमें क्या मिला 14, फिर 14 में से 11 माइनस हुआ हमें क्या मिला 3, उसके बाद फिर 30 माइनस किया हम कहाँ आ गए -10 पे। और हाँ बोलिए, स्क्रीन पर। अच्छा अच्छा जरा एक मिनट होल्ड करना, अभी फोन आ गया। हेलो, गुड मॉर्निंग जी सर, बोलिए सर। अच्छे हैं आप, सुनाइए। अप्रूवल पेंडिंग आ रहा है। अच्छा, मैंने तो सब बच्चे ऐड कर लिए हैं, आपका बच्चा शायद इसमें ऐड है मेरे ख्याल से। अच्छा, चलो मैं करता हूँ एक मिनट। बच्चों जरा एक मिनट, एक प्रॉब्लम है, मैं अभी एक मिनट वापस जा करके आता हूँ। ग्रुप में कुछ बच्चे हैं, आप कहीं पे जा नहीं, आप वेट करें, ठीक है। बट आपकी स्क्रीन पर मैं एक पेज शेयर कर रहा हूँ, और ये जो पेज मैं शेयर कर रहा हूँ आपकी स्क्रीन पर, मिनट जरा आप होल्ड करें। चलिए, आपकी स्क्रीन पर एक पेज है और इस पेज को आप ध्यान से देखिए। इसमें लिखा है पैटर्न इन इन स्क्वायर नंबर। जो बच्चे अभी थोड़ा लेट ज्वाइन हुए हैं उनको फटाफट बता देता हूँ। बेटा देखो, जब आप पैटर्न को फॉलो करते हैं, पैटर्न का मतलब होता है कि स्पेसिफिक रूल। और रूल क्या है, जरा ध्यान से समझना है, कि जब हम ओड नेचुरल नंबर को ऐड करते हैं, जैसे 1 + 3 + 5, हमने कितने ओड नंबर ऐड किए, 3, 1, 2, 3। तो अब आपको इनका ऐड नहीं करना है। वो काम तो छोटे बच्चे करते हैं कि 1 + 3 = 4, 4 + 5 = 9। तो आपको एक रूल दे देना है और रूल बन जाएगा स्क्वायर ऑफ 3, इट मींस 9। जितने भी ओड नंबर आप ऐड करेंगे उतने ही ओड नंबर का स्क्वायर कर देना है। आप 3 ऐड कर रहे हैं तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, आप 4 ओड नंबर ऐड करोगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, आप 2 नंबर ही ऐड करोगे केवल 1 और 3, ठीक है, तो फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से। चलिए मैं और क्वेश्चन लेके चलता हूँ जिनको आप थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं, बाय द वे, यदि मैं 4 ऑर्डर नंबर लेता हूँ, जैसे पहला 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद में 7। दीज आर 4 ओड नेचुरल नंबर, 1, 3, 5, 7। तो इसमें क्या होगा, इन तीनों को सम यदि आप करोगे तो आपको मिलेगा 16। आप करके देख भी सकते हो कि 1 + 3 = 4, 4 + 5 = 9, और 9 + 7 = 16। यही 16 आपको रूल के अकॉर्डिंग भी मिलेगा। रूल क्या है कि जितने भी आप ओड नंबर ऐड कर रहे हो उनको आप काउंट कर लीजिए, दीज आर 4, तो लिख दीजिए 4 का स्क्वायर एंड रिजल्ट इज 16। क्योंकि जब आप 4 का स्क्वायर ओपन करेंगे, इसका मतलब क्या होता है, 4 × 4 मींस 4 4 जा। क्लियर? चलिए आपको आगे मैं एक दो एग्जांपल और समझाता हूँ जिनको आप समझेंगे बड़े ध्यान से। जैसे मान लीजिए आप में से कोई बच्चा कहता है कि सर मुझे तो केवल 2 ही नंबर ऐड करने हैं, तो कर सकता है 1 + 3। अब 1 + 3 कितना आता है, 1 + 3 4 आता है, तो वही 4 आपको मिलेगा रूल से। रूल क्या था कि
कि जितने भी ओड नंबर हैं जो आपने ऐड किए हैं उनको आप काउंट कर लीजिए। तो मैंने कितने ओड नंबर ऐड किए अभी, टू, तो आ जाएगा टू का स्क्वायर, इट मींस टू इंटू टू रिजल्ट इज फोर। तो आपको सिर्फ करना इतना है कि आपको केवल ओड नेचुरल नंबर ऐड करने हैं कि भाई मैं कितने ओड नेचुरल नंबर ऐड कर रहा हूँ। यदि मैं पांच ऐड कर रहा हूँ तो मेरा आंसर बनेगा फाइव का स्क्वायर, यदि मैं सिक्स ऐड कर रहा हूँ तो मेरा आंसर बनेगा सिक्स का स्क्वायर, यदि मैं सेवन ऐड कर रहा हूँ तो मेरा आंसर बनेगा सेवन का स्क्वायर। इस तरह से आपको करना है, क्लियर? कोई प्रॉब्लम बताइए। चलिए आगे अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट ये है, सुनना आप सभी बड़े ध्यान से। क्वेश्चन दिया है कि इज 39 अ परफेक्ट स्क्वायर। आपको ये बताना है कि क्या 39 अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या फिर नहीं है, ये बताना है। तो इसको आप कैसे बता पाएंगे, जरा सुनो ध्यान से। जो 39 दिया हुआ है, इस 39 में से आप लगातार ओड नंबर को माइनस करते हुए चलेंगे और तब तक जब तक जीरो ना मिल जाए, ठीक है? इस 39 में से आप सबसे पहले वन माइनस करेंगे तो आएगा 38, फिर 38 में से आप थ्री माइनस करेंगे, लेकिन माइनस करना है सक्सेसिव वे में, मींस कंटिन्यूअस मैनर में, और माइनस करेंगे आप हमेशा ओड नंबर। पहले आप वन माइनस करेंगे, फिर थ्री माइनस करेंगे, फिर फाइव माइनस करेंगे, देन सेवन, देन नाइन, देन अलेवन, देन थर्टीन, देन फिफ्टीन, देन सेवनटीन, नाइनटीन, 21, इस तरह से। और तब तक आप इनको माइनस करते रहेंगे जब तक आपको रिजल्ट जीरो ना मिल जाए, ठीक है? तो चलिए अब ध्यान से देखना है। जब 39 में से स्टार्टिंग में वन माइनस किया गया तो मिलता है 38, उसके बाद 38 में से करेंगे हम थ्री माइनस तो मिलता है 35, फिर 35 में से माइनस करेंगे हम फाइव तो मिलता है 30, फिर 30 में से हम माइनस करेंगे सेवन तो मिलता है 23, फिर 23 में से हम माइनस करेंगे सेवन के बाद क्या आता है नाइन, तो कितना बचेगा, बचेगा हमारे पास में 14, ठीक है? उसके बाद 14 में से जब आप माइनस करेंगे 11 तो कितना आ गया 3, उसके बाद जब 3 में से करेंगे आप माइनस, किसको माइनस करेंगे 13 को, तो कितना आएगा -10। और यहाँ पे आकर के आप रुक जाएंगे, क्यों रुक गए? अब सुनो, जब -10 मिल गया, -10 कब आता है, ये जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में आता है जीरो के बाद, यानी कि सीधा आपने कहाँ पे जंप किया, थ्री के बाद सीधा आपने -10 पे जंप किया, बीच में जीरो थी, उस पे तो आप रुक ही नहीं पाए। हमारा मोटिव क्या था, हमारा मोटिव था जीरो पर रुकना, लेकिन जीरो पे तो आप रुके ही नहीं है, जीरो से तो आप डाउन में चले गए, नीचे की तरफ -10 तक चले गए। समझ में आया है? तो जब आपको रास्ते में जीरो नहीं मिला है, जीरो से आप कम हो गए, आपको -10 मिल गया, तो आप लिख देंगे कि भाई जो नंबर हम स्टार्टिंग में लेके चले थे 39, वो तो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्लियर? सो यू हैव टू राइट डाउन दैट 39 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्लियर? तो इस तरह से आप इसको लिखेंगे। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? दोबारा फिर सुन लीजिए, आपको जो भी नंबर दिया जाएगा, फिर चाहे वो 39 हो, 45 हो, 65 हो, वाट एवर इट मे बी, उसमें से आपको करना क्या है, सक्सेसिव वे में लगातार कंटिन्यूअस मैनर में ओड नेचुरल नंबर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 माइनस करते हुए चलने हैं, और तब तक करने हैं जब तक आपको जीरो ना मिल जाए।
लेकिन जो अभी अब एग्जाम्पल लेके चले थे 39, जिसको हम चेक कर रहे थे कि वो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है, ये केवल एक है ये चेक करने के लिए कि कोई नंबर अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। क्लियर? तो हमें लिखना पड़ेगा कि भाई 39 वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि हमें सक्सेसिव वे में माइनस करते वक्त कभी भी जीरो नहीं मिला। हम जीरो से बल्कि नीचे चले गए -10 तक, लेकिन जीरो से हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई। इसीलिए जब मुलाकात नहीं हुई तो आपको लिखना पड़ेगा सो दैट द गिवन नंबर 39 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्लियर? चलिए प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट फैक्ट एंड विच इज ऑन योर स्क्रीन। इसमें एग्जाम्पल दिया है नेक्स्ट, और वो एग्जाम्पल क्या है? इज 81 अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर? इन दिस एग्जाम्पल यू हैव टू चेक आउट दैट द गिवन नंबर 81 अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं है। मेथड वही है क्या कि हम 81 में से कंटिन्यूअसली ओड नंबर को माइनस करते हुए चलेंगे, और तब तक चलेंगे जब तक हमें जीरो ना मिल जाए। ठीक है, तो चलिए 81 में से हमने क्या किया, सबसे पहले 1 माइनस किया। तो जब 81 में से हम सबसे पहले 81 में से माइनस हुआ 1, क्या मिलता है 80। फिर 80 में से माइनस करेंगे हम 3 को, तो क्या मिलता है 77। फिर 77 जो है फिर जाना नहीं होता है, क्योंकि तो आपके घंटे क्लास होती है लाइव, तो आपको दोबारा जाना होता है। ठीक है, चलिए हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं, और मैं आपकी स्क्रीन पर पेज शेयर करता हूं। पेज नंबर इज दिस। चलिए हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 7, और चेक कर रहे थे कि क्या 81 अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है। तो हमें क्या करना है, 81 माइनस 1 रिजल्ट इज 80, फिर 80 माइनस 3 रिजल्ट इज 77, फिर 77 माइनस 5 रिजल्ट बनेगा 72, उसके बाद 72 में से माइनस कर देना है 7 को तो 65, फिर 65 में से माइनस कर देना है 9 को, रिजल्ट आएगा 56। इस तरह से हम माइनस करते हुए चलते रहेंगे। तो अब जरा देखिए आप फटाफट क्वेश्चन पे आ जाइए। आपको मैंने समझा दिया, क्योंकि तो मुझे टाइम भी सेव करना है थोड़ा सा, आगे अगले पेज भी चलना है, वरना सारा टाइम यहाँ पे कंज्यूम हो जाएगा। इसके लिए फटाफट देखिए आप इस एग्जाम्पल नंबर के सॉल्यूशन को। यहाँ पे हमने 81 में से पहले 1 माइनस किया, फिर उसमें से 3 माइनस किया। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, और ये हमने तब तक किया जब तक हमें 0 नहीं मिल गया। लास्ट में 17 बचा था, और जब 17 को माइनस किया गया तो हमें अपना आंसर 0 मिल गया। और मैंने आपको बताया था कि जब आपको कंटिन्यूअस माइनस करते करते जीरो मिल जाए तो ये आप अनाउंस कर देंगे तभी कि 81 अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। लेकिन कोई आपसे पूछ ले कि भाई 81 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि ये बताना है कि भाई 81 अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि कोई आपसे पूछ ले कि भाई 81 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, किसको आपने किस नेचुरल नंबर को आपने लिया उसी में मल्टीप्लाई की और आपको मिल जाए 81। ठीक है, तो वैसे तो आप जानते हैं कि भाई 9 9 जो 81 होता है, और 81 होता है 9 का परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन हमें वो बातें रख देनी है साइड में, और हमें अब इस मेथड से, जिस मेथड से आपने क्वेश्चन किया है, हमें अब इस मेथड से बताना है कि भाई 81 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो उसके लिए एक सिंपल सा प्रोसीजर है, और वो ये है
कि आप ये काउंट कर लीजिए कि आपने जो ओड नंबर माइनस किए हैं वो कितनी बार माइनस किए हैं। सिर्फ आप ये काउंट कर लीजिए, आपने पहले 1 को माइनस किया, फिर आपने 3 को माइनस किया, फिर 5 को किया, फिर 7 को किया, फिर 9, देन 11, देन 13, देन 15, देन 17। तो आपने लगातार 9 टाइम्स माइनस किया, लगातार 9 बार आपने माइनस किया है, इसीलिए हम लिख देंगे कि 81 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 9। सो वी कैन राइट दैट 81 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 9। क्लियर। चलिए अब इसके बाद चलते हैं हम, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 8 पर आइए। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है? फाइंड द सम ऑफ 9, 11, 13, 15, 17, 19। हमें इन सब का सम निकालना है। तो जब हमें इन सब का सम निकालना है, ऐसे नहीं निकालना है कि आप 9 में 11 को ऐड कर दें, फिर 13 को ऐड कर दें, फिर 15 को ऐड कर दें, फिर 17 को ऐड कर दें, फिर 19 को ऐड कर दें, ऐसे नहीं करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, हमारे पास में जो टेक्निक है वो ये है कि जो 9 से पहले हैं, 9 से पहले जो ऑर्डर नंबर आने थे आप उनको लिखिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, आप देख सकते हैं इस लाइन में, ध्यान से देखिए इस लाइन में क्या हुआ, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 ये ऐड किया गया है। सॉरी, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 ये ऐड किया गया है, आप देख भी रहे हैं, और इतना ही फिर बाद में माइनस भी कर दिया गया। देख लीजिए आप, इतना ही हमने माइनस कर दिया। दरअसल ये हमने जानबूझ के किया है, वो इसलिए क्योंकि जो क्वेश्चन दिया हुआ था, क्वेश्चन में स्टार्टिंग हो रही थी 9 से, 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19। तो जो 9 से पहले ऑड नंबर थे वो वहां पे अब्सेंट थे, हमने उन्हीं को ऐड किया, मींस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, और उनको ही हमने बाद में माइनस कर दिया, क्योंकि रूल होता है कि जितना आप ऐड करते हो उतना ही आपको माइनस करना होता है, जिससे क्वेश्चन का आंसर अपने आप में अनचेंज रहे, वो चेंज ना हो जाए। ठीक है भाई। अब इसके बाद में जरा ध्यान से देखो, आपने 1 से लेकर के और 19 तक तो ये बन गया एक ब्रैकेट। अब 1 से लेके 19 तक आप काउंट कर लो कि ये कितने ओड नंबर हैं, 1 से लेकर के 19 तक ये अपने आप में 10 ओड नंबर हैं। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19, दीज आर 10 ऑड नंबर। तो इसीलिए फिर नीचे लिख दिया गया स्क्वायर ऑफ 10। ठीक है। अब इतना कर लेने के बाद में यहाँ पे फिर हमने माइनस किया 4 के स्क्वायर को। ठीक है। तो जब 4 का स्क्वायर आप माइनस करेंगे, मींस 16 माइनस करेंगे किसमें से, 100। ये 100 कहाँ से आया, देखो जो स्टार्टिंग में यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100। तो 100 में से माइनस किया हमने 16 को, तो रिजल्ट आ गया 84। यदि आप इन सब को ऐड करोगे तो आपको 84 ही मिलेगा, लेकिन हमें वो सीधे ऐड करने के बाद नहीं बताना है, हमें उसमें मैथमेटिकल जो कंसेप्ट है, जो पैटर्न है, वो फॉलो करना पड़ता है, इसीलिए हमने पहले उसको कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद में तो सबसे पहले तो आपने वो जो उसमें कुछ मिसिंग टर्म थी, उन मिसिंग टर्म को आपने कंप्लीट किया।
और जैसे ही मिसिंग टर्म अपने आप में कंप्लीट हो गई तो उसके बाद आपने उनको काउंट किया। बेसिकली 1 + 3 + 5 + 7 + 9 ये सब अपने आप में 10 ऑड नंबर है, तो इसीलिए आपको लिखना पड़ा स्क्वायर ऑफ 10 और उसमें से आपने फिर माइनस कर दिया 1, 3, 5, 7। दीज आर 4 मीन्स माइनस 4 स्क्वायर ऑफ 4 दिस इज सो यू हैव 84। क्लियर? चलिए आगे। अब इससे आगे हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 पे आइए। एग्जाम्पल नंबर 9 में कह रहे हैं राइट द स्क्वायर ऑफ 25 एज द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। वो कह रहे हैं कि भाई 25 का जो स्क्वायर है मीन्स 625, 625, इसको आप दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर के फॉर्म में लिखिए। अबे कंसेक्यूटिव क्या होता है? कंसेक्यूटिव का मतलब होता है कंटिन्यूअस मीन्स लगातार, जैसे कि 5, 5 के बाद में 6, देन 7, देन 8, देन 9, इस तरह से। दीज आर कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात ये है कि 25 को हमें लिखना है एज अ सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। तो इसके लिए जो पैटर्न है वो पैटर्न आप ध्यान से देखिए। इसके लिए जो फैक्ट है वो बराबर में दिया हुआ है ये कि एन स्क्वायर को आप लिख सकते हैं एन स्क्वायर माइनस 1/2 + n² + 1/2। इट मींस 25 के स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं कि 25 का स्क्वायर माइनस 1/2 + 25² + 1/2। 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625। यहाँ पे रखिए आप 625, देखो उन्होंने रखा हुआ है, ये रखा हुआ है 625, 625 आप देख भी रहे होंगे। तो उसके बाद इनको आंसर मिल गया लास्ट में 312 + 313, यानी कि 312 और 313, ये वो दो कंसिक्यूटिव नंबर हैं जिनको आप ऐड करेंगे तो आपको 25 का स्क्वायर मिल जाएगा। क्लियर? सो इस तरह से ये अपने आप में पेज कंप्लीट हो गया।